हाँ दोस्तों, मेरा नाम मोहन है। मैं एक फिटनेस एंथुजियास्ट हूँ और अभी मैं हूँ आंध्र प्रदेश में। और इस वीडियो में हम लोग आंध्र प्रदेश के कुछ एरिया को एक्सप्लोर करेंगे। यही है पुलिकट लेक, और पुलिकट लेक जो है सो आंध्रा में जो है सो तिरुपति जो डिस्ट्रिक्ट है उसका बहुत सारा एरिया कवर करता है। और अभी हम लोग जो है सो पुलिकट लेक के बीचों बीच खड़े हैं। ये जो है सो यहाँ से जो है सो सतीश धवन जो एयर स्पेस जो स्टेशन है वो जो है सो आपका बगल में ही है। पुलिकट लेक जो है सो तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो है सो आपका जो है सो इंडिया की जो है सो दूसरी सबसे बड़ी लेक है जो कि खारे पानी की लेक है। पहली जो सबसे बड़ी लेक है वो है आपका जो उड़ीसा में है जो चिल्का लेक है, और जो दूसरी खारे पानी की सबसे बड़ी लेक है वो आपकी यही है पुलिकट लेक। दोस्तों आप जो देख रहे हैं ना, ये है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का ये जो रीजन है ना टडा में आता है। और इनका जो नाम है ना सुरेश नाम है इनका। और ये जो है सो सेफर्ड है, वीर है। और जैसे इनसे मेरी बात हुई तो एक्चुअली लैंग्वेज का इशू आता है, बट तमिल हैं ये लोग। और जो है सो मालूम चला है कि ये लोग का जो है सो ये लोग मतलब शुरू से करते आए हैं। और जो है सो ये लोग जो है सो ये बता रहे थे भेड़ के बारे में ना कि मतलब जो है सो चार साल मैक्सिमम जो है सो ऑलमोस्ट एज रहता है ये लोग का। उसके बाद क्या होता है, ये लोग का टूथ में इशू आता है, उसके बाद फिर ये लोग इसको मार्केट में सेल कर देते हैं। तो इनका नाम सुरेश है। और आप जो है सो ये देख सकते, ये ही है भेड़। और ये क्या आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे क्या है ना सेफर्ड कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। उसका कारण क्या रहता है ना, आप देख सकते हैं इधर पूरा बैरन लैंड है, ठीक है, इधर बैरन लैंड है। ये लोग अभी बिजी हैं, और जो है सो बैरन लैंड है। और बैरन लैंड में क्या होता है कि मतलब जो है सो आपका स्वाभाविक है यहाँ पे आपका जो हर्डिंग है बहुत ज़्यादा होता है। हाँ दोस्तों, आप जो ये देख रहे हैं ना, ये मिचुंग साइक्लोन जो है सो रिसेंटली हिट किया है जो आंध्र प्रदेश को। ये आप देख सकते हैं जो है सो पेड़ उखड़ा हुआ है। और ये रिसेंटली क्या है ना कि ये जो है सो मिचुंग साइक्लोन जो है सो आंध्रा को हिट किया था। और इसमें क्या होता है एक्चुअली साइक्लोन में कि आपका जो है सो हवा जो है सो बहुत तेज़ रहता है, और साथ में क्या रहता है ना बारिश भी और नॉन स्टॉप रहता है। तो साइक्लोन में आप यही जो है सो एक्सपीरियंस करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पेड़ गिरा हुआ है। आप जो देख रहे हैं ये है ईस्टर्न घाट का माउंटेन रेंज। देखिए ईस्टर्न घाट का माउंटेन रेंज क्या करता है कि जो भी साउथ इंडिया में बारिश होती है उसके लिए जिम्मेवार रहता है। और एक्चुअली जो ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज है ना, ये क्या करता है एज ए बैरियर के रूप में काम करता है। जो आपका जो प्लेन एरिया है यहाँ पे और जो कोस्ट, इसके पीछे देखिएगा तो आप समुद्र है, तो समुद्र का और जो पीछे जो जो आपका जो प्लेन है इसके बीच में एक बैरियर का काम करता है। और यहाँ पे जो बारिश होती है साउथ इंडिया में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। कि जो ईस्टर्न घाट का जो माउंटेन रेंज है ना, वो आपका जैसे उड़ीसा से शुरू होता है, उसके बाद आंध्रा होते, तमिलनाडु होते, उसके बीच में जैसे आपका आ गया तेलंगाना, तो इस सब राज्यों को जो है सो इस सब राज्यों में आपको जो है सो ये माउंटेन रेंज मिलेगा। इसका जो ईस्टर्न घाट का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है वो आपका जो है सो जो कर्नाटक है जो स्टेट, उसमें आपको जो है इसका सबसे पीक माउंटेन रेंज है। अभी ये यहाँ पे उतना आपका पीक नहीं दिख रहा हो। तो आप जो ये देख रहे हैं ना, ये है रेड सोयल। रेड सोयल जो है आपका जो है सो आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये आपका तमिलनाडु है वहाँ भी पाया जाता है। लेकिन जो रेड सोयल है इसमें जो है ज़्यादातर आपका इसका जो रेड का जो क्वालिटी है डिपेंड करता है आयरन ऑक्साइड कितना है ना सोयल में उस पर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रेड सोयल है ये। उसका कारण क्या है, इस पर आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, और जितना रेड होगा उतना कम फर्टाइल रहता है ये। देखिए जो आयरन ऑक्साइड इसमें क्या है बहुत ज़्यादा है। और ये जनरली आप वहाँ पे देखिए जहाँ पे पानी जो है ना ज़्यादातर रुकता नहीं है, टीला टाइप का एरिया रहता है, वहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर दिखता है। ये क्या है आपका जो है सो बहुत ज़्यादा रेड है। जनरली रेड सोयल का दो टाइप और दो या तीन वेरिएशन मिलेगा आपको। यहाँ पे येलो रहता है और ब्राउन रहता है। यहाँ पे जैसे धान की खेती बहुत ज़्यादा होते हैं आंध्र प्रदेश में, तो जो धान की खेती है वो जो है सो आपको कंप्लीट जो रेड रहता है ना सोयल इसमें नहीं होता है, वो आपका ब्राउन रहता है और जो येलो टाइप रहता है। जनरली आप यहाँ पे जो है धान की खेती देखिएगा तो वो ब्राउन कलर का रहेगा, वो पूरा रेड नहीं। ये जो रेड सोयल है ना इसका साइज देखिएगा तो बहुत बड़ा रहता है, ये फर्टाइल नहीं रहता है। जनरली इसका जो है सो एरिया आप देखिएगा ये बैरन लैंड में ही इतना ज़्यादा रेड आपको दिखेगा सोयल। जनरली जो आप फसल होता है वो ब्राउन रहेगा या फिर येलो आपको देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश दक्षिण में समुद्री तट पर बसता है। ये एरिया के मामले में सातवीं सबसे बड़ी राज्य है, और आबादी के मामले में दसवीं सबसे बड़ी राज्य है। भारत में गुजरात के बाद सबसे बड़ी समुद्री तट आंध्र प्रदेश में है। यहाँ भाषा तेलुगु और थोड़ा बहुत तमिल बोला जाता है। यहाँ का जो क्लाइमेट है ट्रॉपिकल है, जिस कारण यहाँ दो तरह का मौसम होता है, गर्मी और बरसात। इस वीडियो में आंध्र प्रदेश के कुछ एरिया को एक्सप्लोर किया, और एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग।